हेलो एवरीवन, तो आप लोगों से जैसा कमिट किया था व्लॉग के लिए, सो यस, कोशिश कर रही हूँ कि आपको व्लॉग मिल जाए। तो आज है सुबह सुबह का दिन और सुबह सुबह उठ के पहला काम होता है मेरा इस पार्क के चक्कर लगाना, क्योंकि वेट बहुत ज़्यादा हो चुका है और सबने मेरे लिए आफत कर दी है, बहुत मोटे हो गए हो, मोटे हो गए हो। तो इसलिए सुबह उठ के सबसे पहला काम इस पार्क के चक्कर लगाना। कि छुट्टी है तो बच्चे भी इस पार्क में खेल रहे हैं, आप देख सकते हैं। इधर है अर्नव, मानिक और ये देखिए रूही भी साथ में आ चुकी है। घर के बस यही एक फ़ायदा है कि आपको किसी जिम विम की ज़रूरत नहीं होती, बस देखना ये है कि अब ये मेहनत रंग कितना लाती है। ठीक है, हाँ जी भाई, तो घूमने के बाद नहा धो के अब रेडी हो चुके हैं और तैयारी है ऑफिस जाने की, क्योंकि ऑफिस भी जाना होता है। और इधर आप देख सकते हैं बच्चे लोग के पूरे, ये अभी नहाए धोए नहीं है, एक टेबल के ऊपर बैठा है और एक ऐसी काम कर रहा है। दोस्तों अभी मैंने क्या होता काम तो कंप्लीट कर लिया है, मगर अभी मम्मा खाना बना रही है ना, इसलिए थोड़ी देर में ऐसे बैठा हूँ कि मम्मा खाना बना लेती। अच्छा, मम्मा का खाना बन चुका है क्या? नहीं, नहीं, मम्मा का खाना अभी नहीं बना है, मम्मा तो बना रही है, तैयारी में है। तो अब मैं कोचिंग जा रही हूँ, बाय बाय। तो दोस्तों अभी छोटी मम्मा जा रही है अपने कोचिंग। अर्णव ये कर देगा, किसी दिन काट देगा, डॉगी के साथ नहीं करते। तो बैग रख भी दिया। जा रही हूँ मैं, बाय 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 बाय। फाइनली ऑफिस आ चुके हैं, अब मिलेंगे शाम में, क्योंकि ऑफिस की वीडियोस अलाउड नहीं है, बस ऑफिस का लुक एक बार दिखा सकते हो। नमस्ते। ये ललन भाई साहब यहाँ फोन में लगे पड़े हैं और ये एक और अफसर बैठे हुए हैं यहाँ पे, मैंने ध्यान नहीं दिया, राधे राधे। तो बस अब इससे ज़्यादा शाम में मिलेंगे अब, ठीक है। चलिए क्लास में जा रहे हैं, वो वीडियोस नहीं दिखा सकते आपको, शाम में मिलते हैं। और यहाँ बैचेस ख़त्म हो चुके हैं और इसके बाद बच्चे मयंक सर से अपनी प्रॉब्लम पूछते हुए और मयंक सर सभी को मोटिवेट करते हुए। हाँ जी भाई, तो अब हम लोग घर पहुँच चुके हैं और अब देखते हैं घर पे कि बच्चे रेडी हैं या नहीं हैं, बहुत मुश्किल होता है ये करना। हाँ जी भाई, तो घर पहुंच चुके हैं, घर में चल रहे हैं गाने और बस देखना है अब बच्चा लोग रेडी हैं या नहीं। अर्णव, रूही, मानो तैयार हो गए जाने के लिए? अच्छा, किस किस की ड्रेस आनी है पहले ये बताओ। मेरी, मेरी। नहीं, केवल अर्णव की आनी है। अर्णव का क्या लटक रहा है नाड़ा सा? चलो चलते, चलो चले फिर। yes! चलो तो चलो, चलो बैठो। आगे आगे कौन बैठ रहा है? बैठो आगे, और पीछे बैठेंगे। अर्णव आप मेरे साथ पीछे बैठना, चलो। यहाँ लड़ाई हो गई आगे बैठने को लेकर दोनों भाइयों में। अर्णव, अर्णव आप अच्छे बच्चे हो, बेटा पीछे बैठो। तो दोस्तों जैसा बैठो, शट अप शट अप, ऊपर का कट गया ना, मम्मा इसी वाला में तो हम बैठ चुके हैं। चलो मोनिका मम्मा को बाय बोलो। बाय बाय मोनिका मम्मा। चलो गाइस, हम पहुंच चुके हैं चाचा के ऑफिस। देखिए हमारे चाचा का ऑफिस, द ट्यूटर्स एकेडमी। हां
और यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं। यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं। उतरे? यस। चलो अब हम उतरते हैं। वैसे हम उतर चुके हैं, अब ये हमारे ड्राइवर चाचा गाड़ी पार करेंगे। चलो ऊपर। हाँ दर्द कर रहे हैं। अरे मान के शूज में देखो लाइट चल रही है, है? चलो भाई चलो, अब चाचा आ चुके हैं, मतलब मेरे चाचा नहीं बच्चों के चाचा, और अब चलते हैं। माइंग सर आपने शुभ वचन कुछ कहना चाहेंगे? खर्चे पे ले जा रहे हैं, कुछ नहीं बेकार की कहानी है। खर्चे पे कहाँ ले जा रहे हैं बच्चों। चलो भाई चाचा ये पूछ रहे हैं, तू बोलती कम है, तो जानवरों का इलाज करेगी क्या गाय भैंस का, कि उनका समझ ही नहीं आता? बताओ जल्दी बताओ, हैं? डॉक्टर भी बनेगी कि नहीं? तो फिर किसका इलाज करेगी? तो बोला करना आदमियों से, कम कर दिया है लड़की, अब डॉक्टर बनेगी ये बता रही है, अब इलाज। और अब हम ही यहाँ पहुँच चुके हैं बच्चों की शॉपिंग के लिए दुकान पे, और ये दुकान है हमारी बहुत पुरानी खुशी फैशन स्टोर, मतलब आप ये मानिए जब से हमारे बच्चे पैदा हुए हैं ना तब से उन्होंने इसी दुकान से कपड़े पहने हैं। भैया दोनों जानकार हैं, फैमिली फ्रेंड्स हैं, और मतलब हमें कहीं और के कपड़े पसंद ही नहीं आते। लेकिन एक चीज़ है, दुकान में जाओ तो मतलब कन्फ्यूजन रहता है, सारे ही कपड़े ऐसे लगते हैं अच्छे, और उसमें सबसे बड़ी गलती हो गई कि बच्चों को साथ में ले गए। बच्चों को तो मैं ये भी सब पसंद आ रहा है, उन्हें लग रहा था सब कुछ ले लो। फाइनली मुझे ये ज़रा बहुत अच्छा सा लगा था जो मेरे हाथ में आप देख रहे हो, रेड वाला और ये ब्लैक, मुझे लगा ये अर्णव के लिए बहुत अच्छा होगा। तो अर्णव के कपड़े हो गए इधर फाइनल, और अब मैंने कहा चलिए भाई मानू के लिए देखते हैं कपड़े। तो अब अर्णव तब भी आगे खड़ा है, अर्णव कह रहा है नहीं मुझे मेरे ही कपड़े लेने हैं, और इस तरफ ये देखो चाचा जी रूही के कपड़े पसंद कर रहे हैं। वो रूही तो अपने चाचा की ही सुनती है, मतलब रूही और किसी की सुनती ही नहीं है, चाचा भी रूही से बहुत प्यार करते हैं। और यहाँ मानू का ब्लू में मुझे बड़ा पसंद आ रहा था, बट मानू को पसंद आया ये कैरेट कलर का देखकर, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो हम दोनों की यहाँ पे हॉटशॉट आर्ग्यूमेंट भी हुआ, लेकिन फिर मानू की ही मर्जी चली, कहते हैं ना बच्चों से आगे कोई नहीं जीत सकता, तो फाइनल उसका यही कलर हुआ। आ जा रही है। तो भाई हम लोग आ चुके हैं कहाँ पर? हम लोग आ चुके हैं अब अपनी डेस्टिनेशन पर, कहाँ पर? शेक पीने के लिए। हम शेक पीने के लिए आ चुके हैं। यस यस। क्या क्या पीना है, किस चीज का शेक पीना है? मानिक को मेरा शेक, अंडा रूही को जूस मिक्स फ्रूट। और यहाँ पर ये एक बलून मांगने, ये देखो ये अच्छा बोल रहा है। तो अब हम आचे हैं कुल्फी वाले। तो अब हम यहाँ काले कुल्फी वालों के, काले कुल्फी वालों के। तो भाई अब हम आ चुके हैं घर, तो आपको मैं एक बार घर, मेरी मम्मी खड़ी है, ये देखो अभी दिखाती, ये देखो ऊपर तक ये है भाई। अब तो भाई अब हम निकलवाते हैं सामान, सामान निकलवा भाई का, सामान निकालो गाड़ी में से, ले तू चले। चलो भाई शॉपिंग करके आयो। शॉपिंग करके आए आज ये तीनों अपनी। रूही कहाँ भाग गई सबसे पहले? इनकी है पड़ोसियों की प्रज्ञानर की।
माने मम्मी को दे मुड्डी। दिस इज फॉर अंडा। उसको घर में मम्मा देखो अंडा क्या लाया है। फर्स्ट अंडा ये जूस पिलाया ये भी अंडा का ये किसका है अंडा दिखाओ ये नहीं है मगर ये मेरा ये लोगे सबसे अल्लाह। इस बार मानिक ने कपड़े अपनी पसंद के लिए, मुझे पसंद नहीं आया उसका निक्कर ये गाजरी रंग का, लड़ गया दुकान पे। और ये लास्ट और रूही का चाचा की पसंद का है। नहीं रूही का अच्छा है लेकिन मानिक का मुझे पसंद नहीं आया। रूही मानिक का खोल के दिखाना सबको कैसा है। छोटी है ऐसी है। देखो 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 ये मानिक की पसंद। देखो ये लड़कियों का कलर, ये गाजरी रंग का लेके आया, ये क्या लेके आया, ये मुझे एक से लाख पसंद नहीं आया। क्या? और देखो भाई ये बच्चों का यहीं पर इनका तैयार। अब भाई अर्णव का आज एक दांत और टूट चुका है। अर्णव अपनी शक्ल दिखाना। अर्णव के सामने के दोनों दांत जा चुके हैं। कैसे टूटा, कैसे टूटा? ये बहुत दिनों से हिल रहा था, मैंने पकड़ के निकाल दिया अपने यहाँ। हाँ दर्द भी नहीं हुआ ना। चलो चलो तो इसी बात पे पार्टी शार्टी तो होनी चाहिए। हाथ मत लगाओ, हाथ मत लगाओ। और देखो खून भी निकल रहा है, वो थोड़ा बहुत निकलता है, हाथ मत लगाओ। तो भाई इसका दांत भी आज टूट चुका है और अब हो चुकी है रात। रात के समय इसका दांत टूट चुका है तो अब हमारा हो चुका है सोने का समय। तो अब हम सोते हैं और मिलेंगे आपसे कल सुबह एक अगले ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट टू ऑल। नए हैं अगर वीडियो पसंद आ रही हो चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कोशिश करेंगे हम इसी तरह से आपको और अच्छा अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करते रहें।